सावन के महीने में बारिश की झड़ी लगातार तीसरे दिन भी लगी हुई है। आपको बता दें कि बारिश से जहां गर्मी और उमस से लोगों को पूरी तरीके से राहत मिल गई, वहीं सड़कों पर जल भराव से सड़कें टूटना भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि जांच मौके सरसैया इलाके में ज्यादा बारिश से सड़क का बड़ा हिस्सा धस गया। सड़क धसने से लोडर इसमें धस गया। इतना ही नहीं, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के मूसलाधार बारिश से कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। वहीं जल स्तर को मेंटेन करने के लिए गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। इससे कानपुर के घाटों के किनारे पानी चढ़ना शुरू हो गया। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं जीटी रोड, मेट्रो रोड पर किनारे किनारे पानी भरा हुआ है। वीआईपी रोड, जूही खालवा पुल, गोविंद नगर मार्केट, किदवई नगर, शास्त्री नगर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। वहीं यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि बारिश अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी। वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। आपको बता दें कि बीते दिन 40 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।